आज हम इतनी सॉफ्ट दानेदार, ये देखिए, ये बर्फी बनाएंगे, ये मिठाई बनाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता की स्थालिका। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। आज हम ये शानदार सी दानेदार मखाने की बर्फी बनाएंगे। और ये जो मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करती हुई थी, आपको इतने से भी मेरे एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ चेंज नजर आने लगा है, कुछ अच्छा लगने लगा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना। और एक बात बिल्कुल मत भूलना कि छोटी छोटी से जो टिप्स होते हैं ना, वो देखने बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए जल्दी से ये मखाने की हेल्दी दानेदार बर्फी बनाते हैं। ये देखिए, मैंने ना 50 ग्राम इसमें मखाने लिए हैं, और मखाने तो आपको पता ही है कितने हेल्दी होते हैं। ये देखिए, कढ़ाई मैंने रख ली, और इसमें मैंने ये देखिए 2 स्पून बिल्कुल लिक्विड वाला, यानी ये 1 स्पून भी नहीं है, मैंने ये देसी घी इसमें ऐड कर दिया ताकि ये एक अच्छे से ब्रश हो जाए, बस और कुछ नहीं। अब देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने आपको टिप बताया जब मैंने मखाने की बर्फी बनाई है, क्या करना चाहिए, हमेशा ये लो फ्लेम पे आपको रोस्ट करने चाहिए। मैं अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे, अदरवाइज क्या होगा, ऊपर से लाल हो जाएंगे। ये देखिए, जलने नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सिम गैस पे आपको करने हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ उठा के, जैसे ये वाला है, कोई सा भी उठा लीजिए, गर्म बहुत है ये, ऐसे ऐसे बेक होना चाहिए। ये देखिए ऐसे, और दिखाती हूँ, ये देखिए, आपको आवाज भी आ रही होगी, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। चलो इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे मखाने एकदम रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, ये थोड़े से इसमें हमने बादाम डाल लिए, हम बादाम भी रोस्ट कर लेंगे। ये पता है, बहुत ही हेल्दी बर्फी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी मिठाई। ये देखिए, अब देखिए आपकी इच्छा है, आप इसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, खाली बादाम भी ले सकते हैं, खाली काजू भी ले सकते हैं। जब बादाम हो गए थोड़े से, मतलब कि अच्छे से रोस्ट हो गए, उसके बाद, क्योंकि काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने काजू ऐड कर दिया है। ये देखिए हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, घी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, और इसी में चिरौंजी, और चिरौंजी तो बहुत ही बिल्कुल 1 मिनट करनी है। ये देखिए, ये मैंने चिरौंजी भी कर ली है, तो बहुत जल्दी हो गई, गैस ही मैंने बंद कर दी थी। अब ये देखिए, जो रोस्टेड मखाने है ना, इसको हम इसमें डाल के पाउडर बना लेंगे। अभी ये देखिए, जिसपे मैं मखाने जार में डाल के पीस रही हूँ, उसी में थोड़े से अभी मखाने हैं, इसी में हम ये, मैंने लिया डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 1/2 कप, तो इसको भी मिला के हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए, बादाम और काजू डाल के इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ जार में डाल के। बादाम, काजू, मखाने सबका मैंने अच्छे ग्राइंड कर लिया, थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स हैं, उसकी कोई बात नहीं, वो अच्छे लगेंगे। जब तक मैंने सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, मखाने रोस्ट किए हैं, उसका पाउडर बनाती हूँ, तब तक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। देखिए, मखाना ना, बहुत ही फुल मखाने को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग होता है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आपको बात बताती हूँ, जो डायबिटीज वाले होते हैं ना, वो तो इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। क्या करिए, जो आपने की डायबिटिक वाली शुगर आती है ना, वो ऐड कर लीजिए, या बिना शुगर के बना लीजिए। और बड़े बूढ़े तो बहुत ही आराम से खा सकते हैं, बहुत दानेदार और बहुत सॉफ्ट होती है। हाँ जी, देखिए वही कढ़ाई मैंने रख ली, और क्या किया है मैंने, 1 कप भर के मैंने मिल्क ले लिया, और उसी कढ़ाई में मिल्क में ऐड कर रही हूँ, बॉयल आने देंगे मिल्क में। ये देखिए, 1/2 कप से थोड़ी कम मैंने शुगर लिया, 1/3 कप लगभग है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर लूंगी, और ये शुगर डालने के बाद थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन आप इसको चलाते रहिए। देखिए, दूध में बॉयल आ चुका है, अब मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 कप दूध और इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, 50 ग्राम के लगभग मैंने पनीर ले लिया, और इसको खूब अच्छे से आप ऐसे मैश कर लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, मैंने मिल्क मावा पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर नहीं लिया, मिल्क मावा पाउडर लिया है। तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, आपको ना मिले तो मैं 2 स्पून, ये देखिए घर की जो स्पून है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, 2 स्पून मैंने जो मिल्क मावा पाउडर डाला है। और इसके बाद अब ये देखिए, जो मैंने पनीर क्रश करके रखा है, अब इसमें ही मैं पनीर ऐड कर दूंगी। मिल्क बॉयल हो गया, और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ये मिक्सचर बन के तैयार हो गया। अब क्या करूंगी, ये जो पाउडर बना के रखा है मैंने, ये सारा पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और इसको अब हम चलाते रहेंगे। 2 मिनट में ही देखिए, चलाते चलाते ये थिक कंसिस्टेंसी हो गई, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे हाथ से चलाते रहेंगे। ये देखिए,
इस स्टेज पे मैं चिरौंजी डाल रही हूँ जो कि मैंने रोस्ट करके रखी है बिल्कुल जरा से घी में, लेकिन आपकी इच्छा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। अब ये देखिए बिल्कुल मेल्टेड 1 स्पून देसी घी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये सिर्फ ऑप्शनल है लेकिन मैं डाल रही हूँ, इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। बहुत अच्छे से इसको ऐसे करना है, मतलब ऐसे फ्राई करना है, उससे क्या होगा इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी और सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और ये देखिए अब सारे त्योहार आते जा रहे हैं, बिल्कुल हमें अलग अलग बर्फियां चाहिए, अलग अलग मिठाई चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी मिठाई बनके तैयार होगी, दानेदार सी बर्फी। और आप देख सकते हैं मेरे पहले भी है मखाने की बर्फी, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से है और ये बिल्कुल अलग तरीके से। ये देखिए शाइनिंग आ चुकी है पूरी, इसको जितना आप ऐसे फेटेंगे ये उतनी अच्छी शाइनिंग आएगी। अब गैस को हम बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद इसको ऐसे चलाएंगे। ये देखिए थाली मैंने देसी घी से ग्रीस करके रख ली, ये आपको ऑयल से नहीं करनी वरना महक जाएगी आपकी बर्फी, देसी घी से ही करना है। शाइनिंग आ चुकी है, अब ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ जमाने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी शाइनिंग आ चुकी है इसमें, इतना सा देसी घी डाला था। मैं इसको पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहे तो सिल्वर फॉइल से भी कर सकते हैं, चाहे तो बादाम से भी कर सकते हैं। स्पैचुला लीजिए, हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इसको टॉप पे छोड़ दीजिए, फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आधा घंटा हो गया टॉप पे छोड़ के, अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही दानेदार बनी है। ये देखिए अच्छा, इसमें जो हमने मावा डाला है, मतलब जो मिल्क मावा पाउडर डाला है, वो बिल्कुल मावे का टेक्सचर देगा, और जो पनीर डाला है वो दाना दाना जैसे कलाकंद होता है उसका टेक्सचर देगा। और ये बहुत ही नटी, हैवी प्रोटीन से भरी हुई और बहुत ही हेल्दी बर्फी है, आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। तो आप इसे ना एक बार बना के जरूर देखिए, ये मखाने की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब कि जो बड़े लोग हैं ना, बूढ़े लोग, वो भी इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए जल्दी से, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मखाने की दानेदार बर्फी? इतने सारे त्योहार आ रहे हैं, सावन से त्योहार शुरू होते हैं, दिवाली तक इतने सारे त्योहार होते हैं, सेम एक जैसी मिठाइयां खा खा के बोर भी हो जाते हैं, और ये तो आप फास्ट में भी खा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना, किस शहर से, किस जगह से, किस सिटी से बैठ के आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए।